ठोस अवस्था की पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्रिस्टल लेटेस यूनिट सेल टाइप्स ऑफ यूनिट सेल उसके बाद नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट सेल कैलकुलेशन पैकिंग वन डायमेंशन टू डायमेंशन थ्री डायमेंशन पैकिंग और वॉइड्स के बारे में आज की सॉलिड स्टेट की क्लास में हम पढ़ेंगे एक तो पैकिंग एफिशिएंसी और दूसरा हम डिफेक्ट्स इन दॉलिड संकुलन क्षमता ठोसों के अवयवी कणों एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस के किसी भी प्रकार संकुलित होने की स्थिति में भी कुछ स्थान रिक्त रह जाता है कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो कणों द्वारा भरा हो उसे संकुलन क्षमता कहते हैं एच और सी संरचनाओं में संकुलन क्षमता लगभग बराबर होती है ये हमने पिछली कक्षा में देखा कि 74 परसेंट संकुलन क्षमता इनमें थी किस तरह से इस संकुलन क्षमता को कैलकुलेट करते हैं वो हम आज देखते हैं एचसीपी और सीसीपी संरचनाओं में संकुलन क्षमता माना कि सीसीपी संरचना के एकक कोष्टिका के किनारे की लंबाई एज लेंथ ए है तथा फल, फलक विकरण एसी बी के बराबर है इस फिगर में देखिए एज लेंथ ए बी है एज लेंथ ए डी है एज लेंथ बी सी है ये सब ए हैं स्मॉल ए से प्रदर्शित किए गए हैं और ये फेस डायगनल, फलक विकर्ण जिसे हमने ए सी कहा इसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया अब इस ट्राइंगल ए बी सी में ए सी का स्क्वायर ये ए सी का स्क्वायर हाइपोटन्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है तो इसलिए ये बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर हो गया तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्योंकि बाकी दोनों एज लेंथ हैं बी सी भी एच लेंथ है ए बी भी एज लेंथ है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया मान लिया कि यदि गोलों की त्रिज्या आर है इन गोलों का रेडियस अगर आर है तो आप देखें इस बी में कितने आर आ रहे हैं एक पूरा गोला आना मतलब दो रेडियस तो ये हो गए एक रेडियस ये वाला हो गया ए से ए वाले पॉइंट पे जो गोला है उसका रेडियस और सी वाले पॉइंट पे जो गोला है उसका रेडियस इस तरह से ये स्मॉल बी की वैल्यू क्या हो गई चार आर फोर आर बी इज इक्वल टू फोर आर अब इस फार्मूले में बी स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे फोर आर का स्क्वायर फोर आर स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर हो गया यहाँ सेवायर ए स्क्वायर स्क्वायर को ऐड कर दिया और ये टू ए स्क्वायर आ गया अब दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट लेते हैं हम तो ये हो जाएगा फोर आर इज इक्वल टू रूट टू ए इससे अगर ए कैलकुलेट करें एज लेंथ को रेडियस के टर्म्स में कैलकुलेट कर रहे हैं एज लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर आर अपॉन रूट टू जिसे टू रूट टू आर भी लिख सकते हैं आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन कितना होता है फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब और पिछली कक्षा में सी सी पी एफ सी सी लेटेस्ट में हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल चार होते हैं वहां पे तो अगर हम उस सेल में उपस्थित गोलों का कुल आयतन निकालें तो फोर 4 फोर बाई थ्री पा क्यूब हो जाएगा चार गोले और एक गोले का आयतन 4 by 3 pi r q, चार गोलों का आयतन फोर बाई थ्री पाई क्यूब और हम जानते हैं कि किनारे वाले घन का आयतन पूरे क्यूब का जो आयतन है वो एक क्यूब होगा अतः समीकरण एक से a का मान रखने पर एकक कोष्टिका का कुल आयतन ए क्यूब होगा और ए की वैल्यू हमने पहले लिखी थी रूट टू आर टू रूट टू आर का होल क्यूब अतः संकुलन क्षमता का ये फॉर्मूला जहां हमें एक कोष्टिका में चारों गोलों की अध्यासित आयतन अपॉन कोष्टिका का कुल आयतन इन टू हंड्रेड ये क्या किया हमने जो यूनिट सेल में परमाणु या अवयवी कण हैं उनके आयतन को न्यूमरेटर में रखते हैं टोटल आयतन नीचे रखा जाता है इस तरह से कितना भाग यूनिट सेल का भरा हुआ है वो कैलकुलेट कर पाएंगे तो इस तरह से गोलों का आयतन ऊपर टोटल आयतन नीचे और इन टू हंड्रेड किया अब यहाँ ये वैल्यू फोर इन टू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब अपॉन टू रूट टू आर का होल क्यूब इंटू हंड्रेड इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये सेवेंटी फोर परसेंट आता है तो इस तरह से हमने देखा फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटेस्ट एच सी पी या सी सी पी इनकी संकुलन क्षमता 74% परसेंट है और यह अधिकतम है अंत केंद्रित घनीय संरचनाओं में संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स मान लिया अंत केंद्रित घनीय संरचना चित्र में ली गई है इस चित्र में देखें कॉर्नर्स पे कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं उसके अलावा एक सेंटर पे भी है है ना ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटेस्ट हो गया क्यूबिक यूनिट सेल हो गया अंत केंद्रित घनीय संरचना में केंद्र में अवस्थित परमाणु विकर्ण पर व्यवस्थित अन्य दो परमाणुओं के संपर्क में है इसमें हमने ये लिया है कि सेंटर का जो एटम है वो कॉर्नर्स पे ई e, ए और एफ पे जो एटम है उनके साथ स्पर्श करता हुआ टच करता हुआ है तीनों लगातार यहाँ पर मान लीजिए ये ए सी ए ये जो सी है ये ए एफ़ के लिए लिखा है जो कि तीनों गोले टच करते हुए हैं मान लिया कि घनीय एकक की एक भुजा ए है और एज लेंथ सारी ए हैं जहां जहाँ पर भी क्यूब की एज लेंथ आएंगी वो ए से रिप्रेजेंट किया है अब ट्राइंगल ई e, एफ डी में विकर्ण एफ डी स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया है ये देखें ट्राइंगल ई e, एफ डी इस ट्राइंगल में इस डाइग्नल को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया और ट्राइंगल एफ डी ए एफ और ये डी इस ट्राइंगल में इस ट्राइंगल में ए एफ डी में ए एफ को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया है ठीक है ट्राइंगल ई एफ डी के अंदर अगर अपन देखते हैं तो जो हाइपोटन्यूस है वो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर यानी कि e, ईडी का स्क्वायर और ई e, एफ का स्क्वायर जो कि दोनों ही न, एज लेंथ्स हैं तो इसलिए A स्कौर, A स्कौर कर दिया है, तो बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये टू ए स्क्वायर आ गया तो रूट लेने पे स्क्वायर रूट करने पे बी इज इक्वल टू रूट टू ए आ जाएगा अब ट्राइंगल ए एफ डी देखें ये ट्राइंगल एफ और ये डी इस ए एफ डी ट्राइंगल में ये जो सी लिखा है हमने ए एफ को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया ये बॉडी डायगनल भी है और ये इसका स्क्वायर ये इसका स्क्वायर ए के स्क्वायर और स्मॉल बी के स्क्वायर के बराबर होगा है ना तो इस ट्राइंगल में सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू डाल दी हमने बी का भी पीछे निकाला था हमने कि टू ए स्क्वायर था तो यहाँ पर टू ए स्क्वायर लिख दिया अब सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा थ्री ए स्क्वायर हो जाएगा ये सी की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों तरफ रूट लेने से रूट थ्री ए आ गया अब ये स्मॉल सी की वैल्यू रूट थ्री ए है अब माना कि परमाणु की त्रिज्या आर है तो ये सी कितना होगा क्योंकि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं दो रेडियस तो इस बीच वाले गोले के एक रेडियस ए पे जो गोला है वहां एक रेडियस जो एफ पे गोला है वहां इस तरह से चार रेडियस आ गया तो सी की जो वैल्यू है उस बॉडी डायगनल की वैल्यू फोर आर के बराबर हो गई अतः समीकरण में सी की जगह पे आप फोर आर लिख दें फोर आर इज इक्वल टू रूट थ्री ए आ गया इससे अगर ए कैलकुलेट करेंगे तो ए इज इक्वल टू फोर आर अपॉन रूट थ्री अब अंत केंद्रित घनीय बी सी सी संरचना में परमाणुओं की कुल संख्या पहले कैलकुलेट की है दो होती है आठ कॉर्नर वाले आटम, वन बाई एट, वन आटम हो गया और एक सेंटर पे जो आटम है उससे एक आ गया तो दो एटम परमाणु की आयतन होता है फोर बाई थ्री पाईआर क्यूब क्योंकि बीसीसी में दो परमाणु आते हैं पर यूनिट सेल तो टू इंटू फोर बाई थ्री पाईआर क्यूब यह परमाणुओं का आयतन आ गया और उस घन का आयतन निकालें जो कि ए क्यूब है तो फोर आर अपॉन रूट थ्री का होल क्यूब क्योंकि अभी हमने ए इज इक्वल टू फोर आर अपॉन रूट थ्री कैलकुलेट किया उसमेंगे तो फोर आर अपॉन रूट थ्री का होल क्यूब हो जाएगा तो ये तो पूरे यूनिट सेल का आयतन है और ये जो परमाणु उसको ऑक्यूपाई करते हैं उसमें आते हैं उनका आयतन है अब अगर हम अंत केंद्रित घनीय संरचना में संकुलन क्षमता ज्ञात करते हैं इस फॉर्मूला में एकक कोष्टिका में दो गोलों द्वारा अध्यासित आयतन दो गोलों का आयतन क्या है टू इन टू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब और नीचे कोष्टिका का कुल आयतन यह होगा फोर आर अपॉन रूट थ्री का होल क्यूब यह सारी वैल्यू यहां डाल दी हमने कैलकुलेट करने पे संकुलन क्षमता आती है सिक्सटी एट परसेंट तो आपने देखा कि एच सी पी सी सी पी एफ में 74 सेवेंटी फोर परसेंट था और बी सी सी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटेस्ट में सिक्सटी एट परसेंट है यहां संकुलन क्षमता सी सी पी लेटेस्ट की तुलना में कम हो गई है अब यह सिंपल क्यूब देखते हैं सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लेटेस सिंपल क्यूबिक लेटेस्ट में ये इस लेटेस्ट में आप देखें हर कॉर्नर पे एक आटम मॉलिक्यूल या आयन होगा यानी कि कांस्टेंट पार्टिकल होगा तो ये हमने एक ए पे और एक एच पे दो गोलों को दिखाया वो इस तरह से हैं कि एच के ऊपर उनका एक रेडियस और इसका दूसरा रेडियस मिला के एक एच पूरी हो गई ए से लेके एच तक की दूरी कितनी हुई आर और ये वाला आर टू आर हो गया एक सरल घनीय जालक में केवल घन के कोनों पर परमाणु उपस्थित होते हैं और मान लिया कि घन की एक भुजा की लंबाई ए है तो प्रत्येक कण की त्रिज्या आर है और चूंकि घन के किनारों पर कण एक दूसरे के संपर्क में होते हैं और हमने देखा ये ए है टू आर के बराबर जो ये लेंथ है ये वाली ए से एच तक की दूरी ये 2r हो गई है है ना तो अब घनीय एकक कोष्टिका का आयतन कितना हो जाएगा a³ a³, a3 हो जाएगा 2r का होल क्यूब यानी कि 8r³ अब चूंकि सरल घनीय एकक कोष्टिका में केवल एक परमाणु होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल में केवल कॉर्नर्स पे ही एटम होते हैं और पर यूनिट सेल कैलकुलेशन में देखा कि 8 1/8 करने से केवल 1 एटम आता है इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल एक है तो आयतन कितना हुआ फोर बाई थ्री पाईआर क्यूब और संकुलन क्षमता एक परमाणु का आयतन अपॉन घन का कंप्लीट कोष्टिका का आयतन इन हंड्रेड तो फोर बाई थ्री पाईआर क्यूब अपॉन एट आर क्यूब इन हंड्रेड तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये फिफ्टी टू पॉइंट फोर परसेंट आता है तो देखा कि सिंपल या प्रिमिटिव क्यूब में सबसे कम पैकिंग एफिशंसी है सबसे अधिक एच सी में पैकिंग एफिशेंसी सेवेंटी और बी स्ट्रक्चर में सिक्सटी और सिंपल क्यूबिक लेटेस्ट में 52.4 परसेंट तो अधिकतम पैकिंग एफिशिएंसी सीसीपी और एचसीपी संरचना में है। अब देखते हैं एकक कोष्टिका विमा संबंधी गणनाएं कैलकुलेशंस यूनिट सेल डायमेंशन यूनिट सेल के डायमेंशन की सहायता से यूनिट सेल का आयतन निकाला जा सकता है है ना यूनिट सेल का आयतन कैसे निकालेंगे क्योंकि हमें लंबाई पता है उसकी यूनिट सेल की ए लिखी है, है ना? तो एक क्यूब उसका आयतन हो जाएगा है ना और पदार्थ का घनत्व स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया पदार्थ तथा एकक का घनत्व बराबर होता है डेंसिटी क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ये अमाउंट ऑफ द सैंपल पे डिपेंड नहीं करती चाहे हम बड़े सैंपल की डेंसिटी देखें या छोटे सैंपल की डेंसिटी देखें वो एक ही आएगी इसलिए एकक कोष्टिका की डेंसिटी दी हुई हो या पदार्थ की दी हो वो बराबर है और मोलर मास को कैपिटल एम से डिनोट कर दिया क्यूबिक क्रिस्टल घनीय क्रिस्टल के यूनिट सेल का आयतन क्या होगा क्योंकि लंबाई ए है आयतन हो जाएगा ए क्यूब और यूनिट सेल का द्रव्यमान जो उसका मास होगा वो कितना होगा स्मॉल इन टू स्मॉल क्या चीज है z है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कोष्टिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या और m क्या है एक परमाणु का भार m एक परमाणु का द्रव्यमान है एकक कोष्टिका में उपस्थित एक परमाणु का द्रव्यमान इस तरह से मोलर मास के द्वारा संबंधित है एम इज इक्वल टू कैपिटल एम मोलर मास अपॉन एन ए जहाँ मोलर द्रव्यमान और एन ए क्या है एवगैड्रो संख्या अतः एकक कोष्टिका की डेंसिटी देखें डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम है ना तो कोष्टिका का द्रव्यमान ऊपर लिखा और एकक कोष्टिका का आयतन नीचे लिखा द्रव्यमान कितना कैलकुलेट किया था जेड स्मॉल एम और आयतन कितना था ए क्यूब तो डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इन टू एम अपॉन ए क्यूब हो गया अब इस एम को ये जो एम दिख रहा है स्मॉल एम इसको इस फॉर्मूले से अपन एम की वैल्यू कैपिटल एम अपॉन एन ने लिख सकते हैं क्योंकि इसको मोलर मास के साथ रिलेट करेंगे तो एम अपॉन एन ने आएगा तो यहाँ इस एम को हमने बदल के कैपिटल एम अपॉन एन लिख दिया है अब ये हो जाएगा डेंसिटी इज इक्वल टू जेड एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब एम जो है एक परमाणु का द्रव्यमान है एकक कोष्टिका में उपस्थित एक परमाणु का द्रव्यमान मोलर मास के साथ इस तरह से रिलेटेड है एम इज इक्वल टू कैपिटल एम जो कि मोलर द्रव्यमान है अपॉन एन ए जो कि एवगैड्रो संख्या है अतः एकक कोष्टिका का घनत्व डेंसिटी क्या होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम तो ऊपर हम मास जब लिखेंगे यूनिट सेल का तो जेड इंटू एम पीछे कैलकुलेट किया था d इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपऑन एककोष्टिका का आयतन क्या होगा ए क्यूब इस तरह से इस एम को अगर रिप्लेस करें इस फार्मूले में देखें एम इज़ इक्ल टू कैपिटल एम अपॉन एन ए तो यहाँ पर एम की जगह पे क्या आ जाएगा कैपिटल एम अपॉन एन ए तो फार्मूला बन गया डी इज इक्ल टू जेड एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए तो डी इज इक्वल टू जेड एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए इस फार्मूले में अगर हमें पाँच पैरामीटर हैं इनमें से कोई भी चार पैरामीटर अगर हमें दे दिए जाएँ तो पाँचवा पैरामीटर निकाला जा सकता है तो ये यूनिट सेल डायमेंशन से हम कोई डेंसिटी डेंसिटी ऑफ दी क्रिस्टल या एज लेंथ निकाल सकते हैं ए या नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल भी निकाल सकते हैं या मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं यौगिक का सूत्र तथा संपूरित रिक्तियों की संख्या फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वॉइड्स फिल्ड। जब ठोस के अवयव कण निविड संकुलित क्लोज पैक्ड होते हैं तो या तो सी या एच संरचनाएं बनती हैं क्योंकि देखा इनके अंदर हमने 74% परसेंट पैकिंग एफिशिएंसी है तो सबसे क्लोजेस्ट पैक यही हैं इस स्थिति में दो तरह की रिक्तियां वॉइड उत्पन्न होती हैं अष्टफलकीय रिक्तियां तथा चतुष्फलकीय रिक्तियां अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या जालक में निवृद्ध संकुलित कणों की संख्या के बराबर होती है जबकि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या निवृद्ध संकुलित संख्या के दोगुनी होती है यह हमने देखा अगर मान लीजिए यूनिट सेल के नंबर ऑफ एटम्स की संख्या एन आती है तो वहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने बनेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड टू एन और ऑक्टाहेड्रल वॉइड उस संख्या के बराबर एन बनेंगे आयनिक ठोसों में साधारणतः ऋणायन जो कि बड़ा होता है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर वही बनाएगा और धनायन जो कि छोटा होगा वो रिक्तियों में भरेगा यदि धनायन पर्याप्त लघु हो तो ततुष्फल की रिक्तियों में और अगर बड़े हों तो अष्टफल की रिक्तियों में आते हैं इस स्थिति में भी सभी चतुष्फल की तथा अष्टफल की रिक्तियाँ अध्यासित नहीं होती हैं बल्कि अध्यासित होने वाली रिक्तियाँ यौगिक के रासायनिक सूत्र पर निर्भर करती हैं हमने कहा कि छोटा आयन होगा तो टेट्राहेड्रल वॉर्ड बड़ा कहा तो ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड में आएगा लेकिन सारे वर्ड जरूरी नहीं है ऑक्यूपाइड हों ये ऑक्यूपेंसी किस पर निर्भर करती है कंपाउंड का क्या फॉर्मूला है उसके आधार पर भरी जाएंगी अब दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं ठोसों में अपूर्णताएं। क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों की व्यवस्था के क्रम में अनियमितता होने के कारण क्रिस्टल परिपूर्ण नहीं होते हैं तथा उनमें दोष उत्पन्न हो जाता है ठोस में उत्पन्न दोषों को क्रिस्टल दोष या ठोस में अपूर्णता कहते हैं ठोस में उत्पन्न दोष व्यापक रूप से दो प्रकार के होते हैं बिंदु दोष और रेखीय दोष यदि हम क्रिस्टल को मॉडरेट स्पीड पे या फास्ट रेट से क्रिस्टलाइज करके बनाते हैं तो दोष अधिक होगा और अगर स्लो रेट से क्रिस्टलाइज करते हैं तो दोष होता है लेकिन कम होगा और मुख्यतः यह दो प्रकार के दोष पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट पड़ेंगे बिंदु दोष क्या है एक क्रिस्टलीय पदार्थ में बिंदु अर्थात एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता तथा विचलन होना बिंदु दोष कहलाता है केवल एक पॉइंट पे ही कोई आइडियल सिचुएशन से वेरिएशन होगा किसी एक परमाणु की जगह परमाणु नहीं है या इंटरस्टिशियल जगह पे परमाणु आ गया है इस तरह का किसी एक परमाणु या अवयवी कण के पर ही अव्यवस्था हो तो उसे बिंदु दोष कहा जाएगा रेखीय दोष एक क्रिस्टल पदार्थ जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं अथवा विचलन होना रेखीय दोष कहलाता है पूरी की पूरी लाइन में ही अगर आदर्श से हटकर अलग व्यवस्था हो तो वह दोष को तीन प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है स्टोक्योमेट्रिक दोष अशुद्धता दोष और नॉन स्टोक्योमेट्री दोष स्टोक्योमेट्री दोष का मतलब है कि जहाँ पर डिफेक्ट आने के बाद भी कंपाउंड की स्ट्रोक्योमेट्री डिस्टर्ब ना हो ठोसों में वैसे बिंदु दोष जो ठोस की स्ट्रोक्योमेट्री को प्रभावित नहीं करते यानी कि उसके कॉन्स्टिटेंट एटम्स का जो रेशियो है वो वही रह रहा है उसमें स्ट्रोक्योमेट्री में डिफरेंस नहीं आ रहा दोष के बाद भी स्ट्रोक्योमेट्री वही बनी हुई है स्ट्रोक्योमेट्री दोष को अंतर दोष भी कहते हैं इंट्रेंसिक डिफेक्ट अथवा उष्मा गति की दोष कहा जाता है स्टोक्यूमेटरी दोष मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं एक था रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष रिक्तिका वैकेंसी डिफेक्ट जब कुछ जालक स्थल रिक्त हो तो इसे क्रिस्टल में रिक्तिका दोष कहा जाता है रिक्तिका दोष घनत्व को कम कर देता है और पदार्थ को गर्म करने पर भी इस प्रकार का रिक्तिका दोष उत्पन्न हो सकता है ये आप देख रहे हैं जालक इसमें इन लेटेस्ट पॉइंट्स पे तो एटम या आयन या मॉलिक्यूल कांस्टेंट पार्टिकल है और ये जो सफ़ेद दिख रहा है यहाँ पर पार्टिकल नहीं है तो इस तरह से ये वैकेंसी डिफेक्ट हो गया दूसरा है अंतराकाशी दोष इंटरस्टीशियल डिफेक्ट क्रिस्टल में कुछ कण अंतराकाशी स्थल पर पाए जाने के कारण कणों की व्यवस्था में होने वाली अनियमितता के कारण उत्पन्न दोष को अंतराकाशी दोष कहा जाता है अंतराकाशी दोष पदार्थ के घनत्व को बढ़ाता है ये लेटेस्ट देखें इस लेटेस्ट में ये नॉर्मल एटम्स या आयन या मॉलिक्यूल कांस्टेंट पार्टिकल अपनी अपनी जगहों पर हैं लेकिन ये इंटरस्टिशियल स्पेस में एक्स्ट्रा पार्टिकल आ गए हैं और इसके कारण इसे कहा जाता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और इसी से डेंसिटी बढ़ जाती है इस तरह के रिक्तिका तथा अंतराकाशी दोष नॉन आयनिक सॉलिड्स में दिखाई देते हैं आयनिक ठोस उदासीन होते हैं अर्थात इनमें हमेशा उदासीनता बनी रहनी चाहिए जो आयनिक कंपाउंड है उनमें इस तरह की डिफेक्ट आने के बाद भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए इन दोषों को सरल रिक्तिका अथवा अंतराकाशी दोषों की बजाय फ्रेंकल और शॉट की दोष दिखाते हैं फ्रेंकल दोष फ्रेंकल डिफेक्ट आयनिक ठोस के क्रिस्टल में लघुतर आयन साधारणतः धनायन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाशी स्थान पर चला जाता है तो उत्पन्न दोष को फ्रेंकल दोष कहते हैं यहाँ देखें इस लेटेस्ट में छोटा आयन कौन सा होता है कैटाइन ये एक तरह से डिसलोकेशन डिफेक्ट है ये इस जगह से देखिए यहाँ एक कैटाइन आना चाहिए था वो कैटाइन नहीं है यहाँ पे और वो डिसलोकेट होकर कहाँ चला गया इस जगह पर आ गया और ये इस जगह पे तो इसने वैकेंसी क्रिएट कर दी और इस जगह पे ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्रिएट कर दिया तो इस तरह से फ्रेंकल डिफेक्ट डिसलोकेशन डिफेक्ट है जहाँ एक जगह से आयन हट रहा है वहां वेकेंसी क्रिएट करता है और जहां नई जगह पे आ रहा है वहां इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्रिएट करता है लेकिन डेंसिटी में कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि आयन है तो लेटेस्ट में अपनी जगह पर नहीं है यह दोष आयनिक ठोस द्वारा दिखाया जाता है फ्रेंकल दोष वास्तविक स्थान पर रिक्तिका दोष तथा नए स्थान पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न करता है फ्रेंकल दोष को विस्थापन दोष डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहा जाता है फ्रेंकल दोष ठोस के घनत्व को प्रभावित नहीं करता और उदाहरण के लिए जिंक सल्फाइड सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड इनमें यह दोष पाया जाता है जेडन टू प्लस और एजी प्लस आयन लघु आकार के हैं इसलिए ये आसानी से इस जगह से हट के इंटरस्टिशियल स्पेस में जा सकते हैं आयनिक सॉलिड्स में दूसरा है शॉट की दोष शॉर्ट की डिफेक्ट आधारभूत से आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है शॉटकी दोष क्रिस्टलीकरण के क्रम में कुछ जालक स्थल के रिक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होता है क्योंकि आयनिक ठोसों को विद्युत उदासीन बनाए रखना होता है अतः लुप्त होने वाले धनायनों और ऋणायनों की संख्या बराबर होती है एक तरह से इस जालक को देखेंगे तो ये वैकेंसी डिफेक्ट ही दिखेगा बस खाली फ़र्क ये है वैकेंसी डिफेक्ट हम नॉन आयनिक सॉलिड्स के लिए पढ़ते हैं और शॉर्ट की डिफेक्ट आयनिक सॉलिड्स के लिए पढ़ते हैं और यहाँ देखिए लेटेस्ट में इस जगह पे यहाँ पर एक कैटन आना चाहिए था लेकिन कैटाइन मिसिंग है और इस जगह पे एक एनायन आना चाहिए था रिनायन आना चाहिए था ये मिसिंग है तो जितना कैटाइन मिसिंग है उतना ही चार्ज का रिनायन मिसिंग होगा जिससे कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी क्योंकि शॉर्ट की दोष रिक्तिका दोष की तरह है अतः यह भी पदार्थ के घनत्व को घटाता है जब लेटिस में से कैटायन अनायन दोनों चले गए तो लेटिस की डेंसिटी कम हो जाएगी शॉर्ट की दोष उन आयनिक पदार्थों जिनमें धनायन तथा ऋणायन का आकार लगभग समान होता है के द्वारा दिखाया जाता है शॉर्ट की दोष में एन ए सी, -सी सीजियम क्लोराइड और ए ये दोष दिखाते हैं जहाँ कैटायन एनाइन का साइज लगभग बराबर है और ए जी बी आर एक ऐसा एग्जाम्पल है जो दोनों प्रकार का दोष दिखाता है फ्रेंकल तथा शॉर्ट की दोनों इसके द्वारा दिखाए जाते हैं अब दूसरा पढ़ेंगे हम अशुद्धता दोष इम्प्योरिटी डिफेक्ट जब गलित सोडियम क्लोराइड एन को स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड की अल्प मात्रा के साथ क्रिस्टलीकृत किया जाता है तो जालक में एन का कुछ स्थान स्ट्रॉन्शियम टू द्वारा प्रतिस्थापित कर लिया जाता है इस स्थिति में स्ट्रॉन्शियम टू प्लस द्वारा दो एन ए प्लस का स्थान प्रतिस्थापित किया जाता है क्यों दो एन ए प्लस का स्थान प्रतिस्थापित हो रहा है क्योंकि सोडियम पे चार्ज कि कितना है प्लस वन और स्ट्रॉनशियम पे चार्ज कितना है प्लस टू है ना? तो जब एन ए प्लस को हटा के स्ट्रॉनशियम को आना होगा तो दो एन ए प्लस हटेंगे तब स्ट्रॉनशियम टू प्लस आएगा जिससे कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रेलिटी मेंटेन रहे तो इस तरह से दो एन ए प्लस हटे लेकिन स्ट्रॉनशियम तो एक ही आया तो एक जगह की एन ए प्लस की साइट वेकेंट रह जाएगी यहां देखें लेटेस्ट में यहां एन ए प्लस की जगह पे एस आर टू प्लस आ रखा है तो इसलिए एक एन ए प्लस की जगह पे तो एस आर टू प्लस आ गया और एक एन ए प्लस की साइट वेकेंट रह गई जिससे कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाए यह एक आयन का स्थान ग्रहण करता है और दूसरा स्थान रिक्त रह जाता है इस प्रकार उत्पन्न धनायन रिक्तियों की संख्या स्ट्रॉनशियम टू प्लस के बराबर होती है इस कारण से सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल दोष को अशुद्धता दोष इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहा जाता है ऐसा डिफेक्ट कैडमियम क्लोराइड तथा AgCl का ठोस विलियन भी इस प्रकार की अशुद्धता दोष का उदाहरण है फिर पढ़ते हैं हम नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट वैसे नॉन स्टोक्योमेट्रिक अकार्बनिक ठोस जिनमें क्रिस्टल संरचनाओं में दोष के कारण अवयवी नॉन स्ट्रोक्यूमेट्री अनुपात में पाए जाते हैं ये दोष नॉन स्टोक्यूमेट्री दोष कहलाते हैं नॉन स्टोक्योमेट्री का मतलब होता है जहाँ मॉलिक्यूल में जो कॉन्स्टिटेंट एटम्स हैं वो होल नंबर रेशियो में ना रह के फ्रैक्शन में आ गए हैं है ना उनका जो रेशियो है वो डिस्टर्ब हो गया है तो उस तरह का दोष आने को नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहा जाएगा ट्रिक दोष दो प्रकार से आते हैं जैसे धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष धातु आधिक्य दोष मेटल एक्सेस डिफेक्ट आयनिक ठोस धातु तथा अधातु के मिलने से बनता है जब आयनिक ठोस के क्रिस्टल में धातु की संख्या अधिक हो जाती है तो ठोस के अवयवी कणों की व्यवस्था में दोष आ जाता है तथा इस तरह धातु की अधिकता के कारण उत्पन्न दोष को धातु आधिक्य दोष कहते हैं धातु आदि के दोष निम्नांकित दो कारणों से होता है पहला कारण है ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु के दोष दूसरा कारण है अतिरिक्त धनायनों की अंतर काशी स्थलों पर उपस्थिति से धातु के दोष अब इसमें हम पहला देखते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु के दोष शार्कीय हेलाइड जैसे एन KCl, इस प्रकार के दोष अर्थात ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आदि के दोष मेटल एक्सेस डिफेक्ट प्रदर्शित करते हैं यहाँ इस लेटेस्ट में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक एनायन आना चाहिए था है ना लेकिन एनायन यहाँ लेटेस्ट में नहीं है और उसकी जगह इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इस तरह से उस एनायन से जो जुड़ा हुआ काउंटर कैटाइन है वो तो लेटेस्ट में है लेकिन एनायन यहाँ से चला गया तो इस तरह से मेटल अधिक मात्रा में हो गया तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया जब एन के क्रिस्टल को सोडियम वाश के वातावरण में गर्म किया जाता है तो सोडियम परमाणु क्रिस्टल की सतह पर जम जाते हैं इस स्थिति में एन प्लस बनाने के लिए एन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है इस तरह निर्मुक्त इलेक्ट्रॉन विसरित होकर क्रिस्टल के ऋणायनिक स्थान को अध्यासित कर लेते हैं इससे सी आयन क्रिस्टल की सतह पर विस्तृत हो जाते हैं और एन परमाणुओं के साथ जुड़कर एन बना देते हैं जब हमने सोडियम क्लोराइड को सोडियम के वाश में गर्म किया तो यहाँ से सोडियम वाश में से सोडियम परमाणु यहाँ सरफेस पर आकर जम जाता है और वो सोडियम परमाणु अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है लेटेस्ट में और वो खुद एन प्लस बन गया और लेटेस्ट में से Cl- निकल के उसके साथ जुड़ जाता है तो इस तरह से लेटेस्ट तो आधिक्य हो जाता है अर्थात धातु का आधिक्य हो जाता जिससे धातु आधिक्य दोष कहा जाता है इस दोष के कारण उत्पन्न अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी ऋणायनिक रिक्तिका को एफ सेंटर कहते हैं ये जो सेंटर है जहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इसे एफ सेंटर कहते हैं जर्मन में फार्बन सेंटर जो कि रंग के लिए होता है और ये इसी के कारण इस क्रिस्टल में रंग आता है जब विजिबल लाइट इस क्रिस्टल पे पड़ती है तो उसमें से ये अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और एक्साइट होने के कारण ये पीला रंग दिखाता है इसी तरह से लिथियम क्लोराइड का क्रिस्टल में लिथियम की अधिकता से गुलाबी रंग और पोटेशियम क्लोराइड में बैंगनी रंग आएगा अतिरिक्त धनायनों की अंतरकाशी स्थलों पर उपस्थिति से धातु के दोष दूसरा धातु के दोष मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट इंडस्ट्रीशियल साइट ये कैसे डेवलप होगा जैसे जिंक ऑक्साइड है इस तरह का दोष प्रदर्शित करता है जिंक ऑक्साइड का रंग कमरे के ताप पर सफेद होता है गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड पीले रंग का हो जाता है क्योंकि जिंक ऑक्साइड को जब गर्म करते हैं तो इसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है ZnO को हीट किया जेडन ऑक्सीजन प्लस टू इलेक्ट्रॉन तो ये ऑक्सीजन तो लेटेस्ट से बाहर निकल गई यानी कि एनायन तो लेटेस्ट में से चला गया और उसका काउंटर जेड एन टू प्लस आयन लेटेस्ट में ही है तो इस तरह से ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट डेवलप कर रहा है और उसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए जेड एन टू प्लस भी और वो दो इलेक्ट्रॉन दोनों ही इंटरस्टिशियल साइड्स पे साथ साथ में आ जाएंगे ऑक्सीजन के निकलने से जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल में जिंक का अधिक हो जाता है और इसका सूत्र जेड एन वन प्लस एक्स ओ बन जाता है धिक्य में उपस्थित जेड एन टू प्लस आयन अंतराकाशीय स्थलों में और इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती अंतराकाशीय स्थलों में चले जाते हैं तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हो गई जेड एन टू प्लस भी आयन में और इलेक्ट्रॉन्स आ गए लेकिन जो एनायनिक पार्ट ऑक्सीजन था वो ऑक्सीजन गैस के रूप में बाहर निकल गया इस प्रकार धातु की अधिकता के कारण जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल में उत्पन्न दोष धातु आधिक्य दोष कहलाता है अब दूसरा है धातु न्यूनता दोष मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कई ऐसे ठोस हैं जिन्हें स्ट्रोक्योमेट्री संगठन में बनाना कठिन होता है एवं इनमें सामान्य अनुपात की तुलना में धातु की मात्रा कम होती है अतः धातु के क्रिस्टल के ऐसे दोष जिनमें धातु की स्ट्रोक्योमेट्री अनुपात की तुलना में धातु की मात्रा कम होती है उन्हें धातु न्यूनता दोष कहते हैं यहाँ एफ ई आना चाहिए था लेकिन कई बार ये एफ ई ओ ना रह के एफ ई पॉइंट नाइन फाइव ओ होता है और इसकी रेंज है एफ ई पॉइंट नाइन थ्री ओ से लेके एफ ई पॉइंट नाइन सिक्स ओ तो वन इज टू वन रेशियो की जगह यहाँ पर धातु कम दिख रही है पॉइंट नाइन सिक्स है या पॉइंट नाइन फाइव पॉइंट नाइन थ्री इस तरह से दिख रही है तो ये कब ऐसा होगा एफ ई ओ के क्रिस्टल में क्या है आयरन की ऑक्सीजन स्टेट प्लस टू है तो एफ ई टू प्लस कुछ लुप्त हो जाएंगे और धनावेश को क्षतिपूर्ति एफ ई थ्री प्लस आयनों की आवश्यक संख्या से होती है तो इसमें जैसे तीन एफ ई टू प्लस आयन मान लीजिए लेटेस्ट में से निकले कितना चार्ज निकला छः प्लस चार्ज निकला लेकिन आने वाले एफ प्लस कितने आएंगे क्योंकि एफ प्लस हैं तो दो ही आएंगे तो गए तो तीन और आने वाले एफ प्लस दो ही आए इस तरह से ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट डेवलप करता है आज की ठोस अवस्था की कक्षा में हमने पैकिंग एफिशिएंसी और टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स पढ़े अब अगली ठोस अवस्था की कक्षा में हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे धन्यवाद